शैक्षणिक स्थिति, नैतिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति में ये अंतर है, जो होना चाहिए वो नहीं है। तो इस पर बहुत सारे हमारे जो शिक्षाविद है उन्होंने इनको सर्च किया और अपना सुझाव दिया। जो अकेले शिक्षक के कार्य करने से, सोचने से बच्चों का संपूर्ण विकास होना असंभव है, उनके माता पिता का सहयोग आवश्यक है। तो माता पिता का सहयोग कैसे होगा? तो हम लोग हर महीने हर पक्ष में यानी 15 दिन पर एक दूसरे को अपनी बार बात की जानकारी दे। जो हम जो बच्चे पर अभी सर बोले हैं काम कर रहे हैं उसको उसका प्रतिफल हमको वैसा नहीं मिल रहा है जैसा हम चाहते हैं, तो इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। क्योंकि बच्चे हमारे पास 6 घंटा रहते हैं, 7 घंटा रहते हैं, बाद बाकी 17 घंटा 18 घंटा वो आपके पास रहते हैं, आपके गांव मोहल्ले में रहते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो थोड़ा आपकी उस पर निगरानी, आपकी देखरेख बहुत मायने रखता है। वैसे भी माँ तो प्रथम गुरु कहा जाता है, सर भी बोले हैं और वास्तविकता यही है। वही